जाखल बस अड्डे के पीछे हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन के गोदाम नंबर 4 से 343 गेहूं के थैले चोरी हो जाने का मामला उजागर हुआ है। हालांकि हरियाणा के वेयर हाउस कॉरपोरेशन जाखल के मैनेजर ने जाखल पुलिस को शिकायत भी दी है। जाखल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जाखल पुलिस को मामले की सूचना मिलने पर गोदाम नंबर 4 में जाकर इसकी बारीकी से जाँच की। जाखल पुलिस प्रभारी विक्रम जोसन ने बताया कि हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन जाखल मैनेजर की तरफ से गोदाम नंबर 4 से 343 गेहूं के थैले चोरी होने की लिखित में शिकायती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जब इस बारे में संबंधित विभाग के अधिकारी गुरु प्रसाद से बात करनी चाहिए तो इन्होंने चोरी के मामले में कोई बात नहीं की और कैमरे से दूर भागते दिखाई दिए। जना बताएं, एक WHC का मामला हरियाणा वेयर हाउस के गोदाम से कोई मामला चोरी का संज्ञान में है, क्या मामला सर? ये HWC का गोडाउन है, गोडाउन नंबर 4 जो हमारे जाखल में है, जो यहाँ के इंचार्ज हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, जिन्होंने दिनांक 1/9/2015 को इंस्पेक्शन करवाई थी। उस टाइम सारा माल पूरा था, माल में गेहूँ के कट्टे हैं और इन्होंने जो दरख्वास्त दी है आज दिनांक 17/9/2020 को, उसके बाबत इन्होंने 15/9/2020 को संभाला है दोबारा उसकी रख रखाव के लिए, जिसमें से इन्होंने बताया है कि 1/9/2020 से और 15/9/2020 के बीच में 343 कट्टे हमारे चोरी हुए हैं, जो इन्होंने बीच में 15 दिन का गैप के बाद संभाले हैं। जो मेरे पास आज इन्होंने दरख्वास्त दिया, जिसके जो 343 कट्टे गेहूँ चोरी के बाबत चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और तफ्तीश अमल में लाई जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी की जाएगी। सर, दूसरा मामला जहां पर सरकारी कर्मचारी वेयर हाउस के हैं, मैनेजर हैं, उनकी अनुमति के बिना चोरी कैसे हो सकती है? सर, ये तो जो तफ्तीश में सामने आएगा कि कहानी पूरी क्या है, अभी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, तफ्तीश में पता चलेगा किसका क्या है।